हाय स्टूडेंट्स, आज हम कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इसे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। पहले इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन कुछ यूं है, 17th सेंचुरी में साइंटिस्ट लाइट को स्टडी कर रहे थे, नेचर ऑफ लाइट को। इसके बाद वक्त के साथ साथ उनकी एडवांस होती गई केमिस्ट्री, फिज़िक्स, और फिर इसके बाद साइंटिस्ट के 19th सेंचुरी के एंड में रेडियो एक्टिव रेज को स्टडी करने की तरफ रुझान हो गया। और विलियम क्रूक्स ने कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स ने कैथोड रेज को डिस्कवर किया इन 1875, एंड ऑफ 19th सेंचुरी। तो इसको कैथोड रे जो एक्सपेरिमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए किया गया, इसे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं? ये हमारे पास इसकी डिवाइस है जिसमें एक्सपेरिमेंट किया गया, ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है। सबसे पहले टर्म्स को डिस्कस कर देते हैं जो यूज़ होती हैं। पहली है डिस्चार्ज ट्यूब को अंडर द हेडिंग ऑफ अपरेटस डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, ये है डिस्चार्ज ट्यूब, और दो इलेक्ट्रोड्स हैं, मीन मेटल की प्लेट्स हैं जिन्हें बैटरी के साथ फिक्स किया गया है। तो इलेक्ट्रोड्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इसके अलावा वैक्यूम पंप है इसके साथ, वैक्यूम पंप। तो ये सारी चीज़ें इस अपरेटस में आती हैं, डिस्चार्ज ट्यूब के अपरेटस में। अब इनकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं। वर्किंग डिस्चार्ज ट्यूब होती क्या है? वर्किंग में सबसे पहले आपको इस टर्म के बारे में क्लियरेंस होनी चाहिए। डिस्चार्ज ट्यूब, जो कि मोस्टली क्लासेस में नहीं बताया जाता, जस्ट पढ़ा दिया जाता है, तो आपको डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में पता होना चाहिए। डिस्चार्ज ट्यूब गैस फिल्ड ट्यूब को कहते हैं। एक्चुअली व्हाट इज़ डिस्चार्ज ट्यूब? डिस्चार्ज ट्यूब
इज गैस फिल ट्यूब। इसमें होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मींस प्रोडक्शन ऑफ स्पार्क। जिस वक्त हम इस ट्यूब में मेटल प्लेट को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और गैस इसके अंदर फिल हुई हुई होती है, तो इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क, एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है, एक चमक हमें नज़र आती है, एक लाइट प्रोड्यूस होती है, जिसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं इस गैस फिल ट्यूब में। इस वजह से इसे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। अब वैक्यूम पंप की तरफ आते हैं। वैक्यूम पंप का फंक्शन क्या है, वैक्यूम पंप इज यूज्ड टू लोअर द प्रेशर ऑफ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। अब ये गैस का प्रेशर लो क्यों करते हैं, इसे हम आगे एक्सपेरिमेंट में डिस्कस करेंगे। अब एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं, ये आपको इसकी टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। अब एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। इसमें एक पॉइंट में वर्किंग में और अपरेटस के हवाले से भूल गई, यहाँ पे इस ट्यूब को इस साइड से पॉलिश किया होता है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड वाली साइड है, जिसे कैथोड इलेक्ट्रोड कहते हैं, ये एनोड इलेक्ट्रोड है। तो इस साइड से इसे पॉलिश किया होता है फ्लोरोसेंस मटेरियल से। जैसे ही इसके ऊपर कौन से मटेरियल से पॉलिश किया होता है, फ्लोरोसेंस मटेरियल से। जैसे ही इस ट्यूब में स्पार्क प्रोड्यूस होता है, तो इस फ्लोरोसेंस मटेरियल, फ्लोरोसेंस जो स्क्रीन सी बनाई हुई होती है, अंदर से इसे पेंट किया होता है, इसके ऊपर इसका इमेज बनता है और हमें पता चलता है इसके ऊपर कोई चीज़ आके स्ट्राइक कर रही है इस वाल के ऊपर। तो अब इसके एक्सपेरिमेंट के ऊपर आते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट ने गैस फिल ट्यूब में, ये हमारे पास गैस फिल ट्यूब है, इसमें ऑर्डिनरी प्रेशर कंडीशन क्या थी, ऑर्डिनरी प्रेशर और करंट प्रोवाइड किया 5000 वोल्ट। तो ये जिस वक्त कंडीशन इसने अप्लाई की, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हुई, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकी, हालांकि इसने 5000 वोल्ट टेम्प करंट प्रोवाइड किया। सबसे पहले ऑर्डिनरी प्रेशर और 5000 वोल्ट करंट पास किया, एंड एज अ रिजल्ट नो इलेक्ट्रिसिटी पास, कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई। उसे कैसे पता चला,
क्योंकि कोई ऑब्जर्वेंस, कोई हमें ग्लास ट्यूब में किसी किस्म की तब्दीली नज़र नहीं आई। जिस वक्त इसने प्रेशर को थोड़ा लो किया, जिस वक्त इसने प्रेशर 0.1 मिलीमीटर ऑफ एचजी प्रोवाइड किया और 5000 से 10,000 वोल्ट करंट पास किया, तो क्या हुआ? एक स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, देन इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, हमें एक स्पार्क मिला, ठीक है, स्पार्क मिला और एक यूनिफॉर्म ग्लो मिला। मीन हमें लाइट इसमें से जाती हुई नज़र आ रही थी वेव्स की फॉर्म में। तो अब इसने लो प्रेशर कैसे किया? वैक्यूम पंप में से गैस को निकाला, थोड़ी बहुत गैस इसमें से निकाल दी गई। तो इसने लो प्रेशर किया, अब इसने सोचा थोड़ा और लो प्रेशर करना चाहिए और देखना चाहिए अब क्या हमें ऑब्जर्व हो रहा है। तो इसने क्या किया, थर्ड अटेम्प्ट में इसने क्या किया, 0.01 मिलीमीटर ऑफ एचजी प्रेशर अप्लाई किया और लो प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, और लो प्रेशर अप्लाई किया और 10,000 वोल्ट इतना हाई करंट पास किया। तो अब इसे क्या ऑब्जर्व हुआ, जो ट्यूब में ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था वो ग्लो सारे का सारा डिसअपीयर हो गया। अब ट्यूब सारी की सारी डार्क हो गई, उसमें कोई भी हमें ग्लो वगैरह नज़र नहीं आ रहा था। और इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में ये होता है कि कैथोड अपने इलेक्ट्रॉन, कैथोड भी मेटल से बना हुआ होता है, मेटल में इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, मेटल की जो सरफेस होती है इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, एनोड भी मेटल से बना हुआ होता है। जिस वक्त इतना ज़्यादा लो प्रेशर अप्लाई किया, इतना हाई करंट दिया, तो इलेक्ट्रॉन मेटल अपनी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने लग गया और इनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्ट करने लग गए और इस बाहर वाली करंट को रोकने लग गए और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस काज करने लग गए। और दो जो कैथोड की प्लेट्स हैं उनके दरमियान, इन दो कैथोड की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, तो इस वजह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुई। और इसी दौरान ये जो हमने लो प्रेशर, इतना ज़्यादा लो प्रेशर लिया गैसेस को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्यूम पंप से के ज़रिए निकाला, तो जिस वक्त इसने ऑब्ज़र्व किया कि इस साइड से, कैथोड वाली साइड से लाइट आ रही है, ठीक है, उसे कैसे ऑब्ज़र्व हुआ, यहाँ पे इसने फ्लोरोसेंस मटेरियल की कोटिंग की हुई थी, अंदर प्लेट पेंटिंग की हुई थी, तो उसके ज़रिए उसे वहाँ पे लाइट नज़र आने लग गई। अब फ्लोरोसेंस मटेरियल क्या है बच्चों, फ्लोरोसेंस मटेरियल ये ऐसा मटेरियल है कि ऐसा हम मटेरियल कह सकते हैं जिसके ऊपर
अगर लाइट पड़े, ठीक है, इफ़ वी एग्जर्ट लाइट, जिस वक्त हम इसके ऊपर लाइट डालते हैं तो वो रोशन हो जाता है, इट लाइट अप, अचानक रोशन हो जाता है। जैसे ही हम इसके ऊपर लाइट डालना ख़त्म करते हैं, ये भी अपनी पुरानी हालत में आ जाता है, लाइट नहीं देता। जैसे कि रोड के साइड के ऊपर आपको रॉड्स नज़र आ रहे होते हैं, और इवन रोड के ऊपर भी नीचे आपको आयरन की रॉड्स वगैरह फिक्स हुए नज़र आते हैं, वो जो होते हैं उनके ऊपर भी जिस वक्त गाड़ी की लाइट पड़ती है तो वो लाइट अप हो जाते हैं नाइट में। तो उसी वक्त जिस वक्त लाइट पड़ना ख़त्म होती है तो फिर वो डार्क अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाते हैं। इसी तरह इस किस्म का ही विलियम क्रूक ने भी फ्लोरोसेंस मटेरियल यूज़ किया। जैसे ही उसकी फिर उसे ऐसे महसूस हुआ कि ये जो कैथोड रे वाली साइड है, ये वाली कैथोड इलेक्ट्रोड जो हमारे पास ये मेटल प्लेट है जिसे कैथोड इलेक्ट्रोड कहा गया है, इस साइड से कुछ लाइट आती हुई महसूस हुई। कैसे महसूस हुई? फ्लोरोसेंस मटेरियल जो कोटिंग की हुई थी वो लाइट अप हुआ है, वहाँ पे रोशनी आने लग गई, ठीक है। तो इसके थ्रू उसे पता चला यहाँ पे यहाँ से कोई चीज़ इमिट होके जा रही है उस साइड पे। तो फिर इसने दोबारा क्या किया, फिर इसने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। कैसे रिपीट किया? डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लिए, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लिए, डिफरेंट गैसेस ली, गैस फिल्ड ट्यूब थी ना, डिफरेंट गैसेस ट्यूब में ली, लेकिन इसने सब कुछ ऑब्जर्व वो ही पुराना किया जो मैंने पीछे एक्सपेरिमेंट में बयान किया। इसने ऐसी लाइट उसी साइड पे लाइट इसी पॉइंट पे एनोड वाली साइड पे जो ग्लास ट्यूब की वाल है इसी टाइप साइड पे इसने लाइट महसूस की आती हुई, सब कुछ इसने वो ही ऑब्जर्व किया। तो ये जो रेज आ रही थी इस साइड से, कैथोड वाली साइड से जो रेज आ रही थी, ये कैथोड वाली मेटल प्लेट की साइड से आ रही थी, इस वजह से इसने इन्हें कैथोड रे का नाम दिया। एक साइंटिस्ट है गोल्डस्टीन, उसने इन्हें कैथोड रेज का नाम दिया। इसकी नेमिंग किसने की? गोल्डस्टीन ने। किस बेसिस पे? ये कैथोड रे की साइड से आ रही थी 1886 में इसने की। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। अब ये जो कैथोड रेज थी, इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। ये किस किस्म की प्रॉपर्टीज़ रखती हैं? डिफरेंट साइंटिस्ट ने इनकी एक एक प्रॉपर्टी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड आउट की है। सबसे पहले हम बयान करते हैं कैथोड रे ट्यूब की अंडर हेडिंग्स हम देखेंगे इसे। नंबर वन है कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अब ये कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, ये कैसे पता चला? ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया। किसने एक्सपेरिमेंट किया? जे प्रीन एक साइंटिस्ट था और
जे जे थॉम्सन ने। जे प्रीन ने कब किया? 1895 में किया। बाद में इस एक्सपेरिमेंट को 1897 में जे जे थॉम्सन ने किया। एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट ये था कि जिस वक्त जे प्रीन और जे जे थॉम्सन ने कैथोड रेस को, जो कि एनोड कैथोड वाली साइड से आ रही थी, कैथोड वाली मेटल प्लेट इलेक्ट्रोड से आ रही थी, उन्हें अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रखा? दो चार्ज प्लेट्स ली और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। जिस वक्त उसने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसने ऑब्जर्व किया ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। देखिए यहाँ पे कर्व बना रही है, इस साइड पे डिफ्लेक्ट हो रही है। तो उसने ये ऑब्जर्व क्या किया, उसने ये ऑब्जर्व किया कि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब है ये खुद नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स हैं, नेगेटिवली चार्ज रेज हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं। उसके एक्सपेरिमेंट के थ्रू यही हमें पता चला कि ये नेगेटिवली चार्ज हैं। इसने चार्ज फाइंड आउट कर दिया कैथोड रेज का, ठीक है। और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है कास्टिंग शेडो का, जिसने हमें बताया कि कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में कैथोड रेज ट्रैवल कर रही हैं। ये एक्सपेरिमेंट हिटटॉर्फ ने किया, एक साइंटिस्ट था हिटटॉर्फ। इसने एक्सपेरिमेंट किया 1869 में। इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया? इसने कैथोड रेज जो मूव कर रही थी कैथोड प्लेट की साइड से, कैथोड रेज आ रही थी, इसने उसके रास्ते में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। कौन सा ऑब्जेक्ट रखा? ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि अपने अंदर से लाइट पास नहीं कर सकता। जिस वक्त इसके अंदर से लाइट पास नहीं होगी तो वो उस साइड पे जहाँ पे इसे रखा गया उस साइड पे शैडो बना देगा। तो इसने देखा कि जहाँ हमने जिस साइड पे ओपेक ऑब्जेक्ट को रखा उसकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हमें शैडो मिला। इसका मतलब है कैथोड रेज बिल्कुल स्ट्रेट मूव करती हैं, इधर उधर मूव नहीं कर रही, बिल्कुल अपने स्ट्रेट पाथ में मूव करती हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेट साइड पे शैडो इसका मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे शैडो इसका स्ट्रेट लाइन में मिल रहा है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है कैथोड रेज आर पार्टिकल्स विद डेफिनेट मासेस। ये डेफिनेट मासेस के साथ पार्टिकल्स हैं, ये हमारे पास भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व किया गया
कैथोड रेज एक्चुअली पार्टिकल्स हैं डेफिनेट मासेस के साथ। ये किसने, ये खुद विलियम क्रूक्स ने, जिसने इन्हें डिस्कवर किया, जिसने कैथोड रे ट्यूब को डिज़ाइन करके एक्सपेरिमेंट किया, इसने ही ऑब्ज़र्व किया 1870 में। कैसे इसने ऑब्ज़र्व किया कि ये पार्टिकल हैं, इनका मास है? तो आए एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। इसने कैथोड रे को पास करवाया, इसने जिस वक्त कैथोड रे मूव कर रही थी, इसने रास्ते में एक बहुत लाइट किस्म का व्हील रख लिया। जिस वक्त इसने इतना लाइट व्हील रखा तो वो व्हील मूव करने लग गया। मूव करने लग गया, इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसका वेट है, जो कि मास रखती है तब ही किसी चीज़ को खुद मूव करवा रही है। तो इससे हमें दो तीन चीज़ें पता चलती हैं। एक तो इसकी पार्टिकल नेचर है, तभी पार्टिकल नेचर होगी तो उसका मास होगा। पार्टिकल नेचर है, मास है, जिसकी वजह से ये मूव करवा रही है। ये इस काबिल है कि इसे पुश कर सके, इसे मूव करवा सके इस पैडल को, ठीक है, पैडल व्हील रख दिया इसने। और दूसरी बात ये है कि इसका काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से मोमेंटम है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, इसमें कई चीज़ें हमें पता चली। सबसे पहले कि इसका मास है, जिस वक्त मास है इसका मतलब है इसकी पार्टिकल नेचर है, ठीक है, और ये मूव करवा रही है, मूविंग पैडल। मूविंग पैडल क्या शो कर रहा है? मूविंग पैडल ये शो कर रहा है इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी, मीन इट हैज़ वेलोसिटी। जिस वक्त हमें इसका वेलोसिटी भी पता चल गई मास के साथ, तो इससे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ऑब्ज़र्व होती है। उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि इसका मोमेंटम है, जिस चीज़ की भी वेलोसिटी हो, वेलोसिटी रखती हो मास के साथ, एक मास हो जो कि मूव कर रहा हो, वेलोसिटी हो उसकी, पी इक्वल टू एम वी मोमेंटम को कहते हैं, मीन उसका मोमेंटम होता है। जैसे कि अगर हम एक बड़ा बाल ले लें और एक छोटा बाल ले लें, तो छोटे बाल की भी अपना मोमेंटम होगा, बड़े बाल का अपना। जिस वक्त इसे मूव करवाएंगे, ये तेज़ वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी हाई होगी, मास लेस है। इसकी वेलोसिटी कम है, मास ज़्यादा है, मीन इसे पुश करना मुश्किल है, पुशिंग डिफ़िकल्ट है इसकी। इसे, इसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा है, इसे रोकना मुश्किल है, ठीक है, इसे स्टॉप करना मुश्किल है। तो जिस वक्त ये मूव कर रहा होगा, इस वजह से इसका मास की वजह से मोमेंटम आ गया, इसका वेलोसिटी की वजह से। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि हमने कैथोड रेस के फॉर्म में डिस्कवर किए, तो उनकी भी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मास इतना नहीं होता, मास निग्लिजिबल होता है, वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है, जिस वजह से इसका मोमेंटम भी हाई होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, जिसकी वजह से पार्टिकल नेचर कैथोड रेस की हमें पता चली। तो इसकी फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया गया, और फोर्थ प्रॉपर्टी फाइंड आउट की गई कि डिफ्लेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये डिफ्लेक्शन शो करती हैं।
कैसे डिफ्लेक्शन शो करती है आए देखते हैं। ये डायग्राम है, इसमें आपको नज़र आ रहा है एक स्लिट। स्लिट का मतलब है स्मॉल होल। एक स्मॉल होल से कैथोड रेस को पास किया जा रहा है, तो इन्हें स्ट्रेट जाना चाहिए, लेकिन इनके रास्ते में जिस वक्त ये मैग्नेट रख दिया गया तो इसके नॉर्थ और साउथ पोल के राइट एंगल से, मीन अगर ये हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल है मैग्नेट का, तो इसकी इस साइड से 90 का एंगल बनाते हुए ये डिफ्लेक्ट हो रही है। मीन ना नॉर्थ की तरफ आ रही है ना साउथ की तरफ जा रहा है, जस्ट राइट एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हो रहा है। ये कैथोड रेज हमारे पास राइट एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हो रही हैं। ये कैसे पता चला? ये हमारे पास जो डबल लाइन है, डबल लाइन से शो की हुई, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, इसके ऊपर इसका इमेज हमें दिखाई देने लग गया। जिस वक्त साइंटिस्ट ने पीछे फ्लोरोसेंस स्क्रीन रखी और मैग्नेट ऊपर रखा कैथोड रेस के दरमियान में, तो उन्हें ये कर्व पाथ राइट एंगल के ऊपर पता चला। तो डिफ्लेक्शन कैसे इसने शो की? एट राइट एंगल। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी आती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है काइनेटिक एनर्जी कन्वर्जन टू हीट। जो हमने डिस्कस किया काइनेटिक एनर्जी को, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही थी। कैसे ऑब्जर्व किया? जिस वक्त साइंटिस्ट ने कैथोड रेज जिस वक्त मूव कर रही थी, आ रही थी, साइंटिस्ट ने उनके रास्ते में एक पतली सी शीट, मीन थिन फॉइल को रख दिया। जिस वक्त थिन फॉइल को रखा, ये थिन फॉइल हीट अप हो गई। ठीक है, ये हीट अप हो गई। हीट अप कैसे हुई? हीट अप इतनी हुई कि रेड हो गई। इसका मतलब है इसकी काइनेटिक एनर्जी, एक एनर्जी, एनर्जी कन्वर्जन भी होती है, एनर्जी एक दूसरे ट्रांसफार्म भी होती है एक जगह, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हीट में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई हीट में, तो इसकी एक ये प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टी सिक्स प्रॉपर्टी हमारे पास सिक्स नंबर की प्रॉपर्टी है कि कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज। कैथोड रेज दूसरी तरह की रेज भी प्रोड्यूस करती हैं, एक्स रेज। ये हमारे पास रोइंगटन ने, एक रोइंगटन साइंटिस्ट था रोइंगटन, उसने ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेज एक्स रेज प्रोड्यूस कर रही हैं, क्योंकि जिस वक्त ये मेटल टारगेट से के साथ स्ट्राइक करती हैं, एनोड के साथ जिस वक्त ये स्ट्राइक करती हैं, ठीक है, इस एनोड के साथ, तो इसमें से पास होके ये ग्लास ट्यूब में से बाहर भी निकल रही थी। इसे कैसे पता चला? रोइंगटन को जिस वक्त इसने ब्लैक क्लॉथ से इस साइड से कैथोड रे जो ट्यूब है इसे कवर किया, तो इसने ऑब्जर्व किया ग्लास ट्यूब से बाहर कुछ रेज आ रही हैं और वो नज़र नहीं आ रही, कलरलेस ग्लो प्रोड्यूस करने वाली रेज नहीं है, और इतनी पेनिट्रेटिंग रेज हैं, इतनी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग रेज हैं कि इसमें से बाहर भी निकल सकती हैं, इतनी ख़तरनाक रेज थी। पेनिट्रेटिंग का मतलब किसी चीज़ में से भी पास होने वाली, तो मीन ये ग्लास ट्यूब में से भी गुजर के जाने वाली थी, उसे भी क्रॉस कर
कर रही थी। तो एक्सरेज इस तरह रोइंगटन ने ऑब्जर्व की कि कैथोड रेज एक्सरेज भी प्रोड्यूस कर रही थी, खुद रेज हैं और एक्सरेज भी प्रोड्यूस कर रही हैं। तो लास्ट इसकी सेवंथ प्रॉपर्टी है, रिड्यूसिंग इफेक्ट। कैथोड रेज रिड्यूसिंग इफेक्ट मीन केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस भी करती हैं। केमिकल चेंजेस कैसे करती हैं? गैस को आयनाइज करती हैं, गैस आयनाइजेशन करती हैं। तो गैस को आयनाइज करके ये केमिकल चेंजेस ला रही होती हैं और रिडक्शन करती हैं, मीन एटम्स में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। ये इस तरीके के भी रिएक्शन कर रही होती हैं क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। कैथोड रेज क्या होती हैं? कैथोड रेज खुद इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, तो ये किसी भी एटम में ऐड होकर रिड्यूसिंग इफेक्ट दे रही होती हैं। तो इन कैथोड रेज को नेम दिया इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन किसने कहा? जीजे स्टोनी। जीजे स्टोनी ने 1874 में इन्हें इलेक्ट्रॉन का नाम दिया इन कैथोड रेस को। तो लास्ट में एक बोनस पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, ये समझते हैं कि कैथोड की साइड से रेज आ रही हैं तो मीन ये मेटल में से निकल रही हैं। मेटल टारगेट जो कैथोड इलेक्ट्रोड है उसमें से निकल रही हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी हलत फहमी है। कैथोड इलेक्ट्रोड में से ये नहीं निकल रही, ये जो गैस फिल हुई हुई है जिस स्टार ट्यूब, मैंने कहा गैस फिल ट्यूब, ठीक है, गैस फिल ट्यूब कहा मैंने, तो इसका मतलब है ये गैस की आयनाइजेशन से कैथोड रेज आर प्रोड्यूस बाय आयनाइजेशन ऑफ गैसेस। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिस वक्त गैस आयनाइज होती है कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय आयनाइजेशन ऑफ गैसेस। गैसेस की आयनाइजेशन से प्रोड्यूस हो रही हैं, तो इस वजह से ही हम यहाँ पे लो प्रेशर, जिस वक्त लो प्रेशर प्रोवाइड करते हैं तो स्पार्क प्रोड्यूस होता है। क्यों लो प्रेशर करते हैं? क्योंकि जिस वक्त हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स इसमें ज़्यादा होंगे, और दूसरी बात है लो प्रेशर, एक तो ये बात है लो प्रेशर हम इस तरीके से भी प्रोवाइड करते हैं वैक्यूम पंप यूज़ करके, और दूसरा लो प्रेशर गैसेस यूज़ करते हैं जैसे कि मरकरी और नोबल गैसेस। जैसे हम आर्गन को यूज़ कर दें तो ब्लू कलर की हमें ग्लास ट्यूब नज़र आएगी क्योंकि इसके अंदर आर्गन होगी। तो गैसेस को यूज़ करते हैं, लो प्रेशर गैसेस को क्यों यूज़ करते हैं? जिस वक्त हमारे पास प्रेशर हाई होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल मीन नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे। जिस वक्त इतने बड़े बड़े एटम होंगे तो छोटा सा इलेक्ट्रॉन इसमें से मूव करेगा तो ये इसे डिफ्लेक्ट इधर उधर कर देंगी और सीधी स्ट्रेट नहीं जा सकेंगी, इस वजह से हम लो प्रेशर यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट कैथोड रे ट्यूब के बारे में, एक एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम
इस चार्ज टू मास रेशो से रिलेटेड रखेंगे, चार्ज टू मास रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग दी लेक्चर।